ले मुला इशारा कर में। इस पॉइंट को देखिए, अच्छा से देखिए इस पॉइंट को, मैं कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ। देखिए एक बार आप देख लीजिए कहाँ तक पानी की मूवमेंट है, इसको देख लीजिए, यहाँ तक है मूवमेंट, यहाँ पर ही मूवमेंट है। देखिए देखिए कितना सारा मूवमेंट आ गया है, और इधर भी दिखा देता हूँ, इधर भी मूवमेंट अच्छी खासी है, मतलब पानी बहुत सारा एरिया में है। तो इसका कारण क्या है, देखिए मैं इसको डिटेल बता रहा हूँ। देखिए आज से 4-5 दिन पहले जब यहाँ पर बोर खनन किए हम लोग, ये बोर जो है संत श्री भूपेंद्र साहिब का ही है बोर है, जहाँ पर 5 HP से लेकर 7 HP तक का पानी निकला हुआ है। जब पहली बार जांच किया तो मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ तक था पानी, यहाँ तक ज़्यादा ज़्यादा जो पॉइंट किए हैं उससे ज़्यादा, दो बीता इधर दो बीता उधर, ये मतलब इधर का पॉइंट ये था। अब ये बोर खनन होने के बाद यहाँ पर लगभग 3-3 फीट इस साइड भी बढ़ गया है पानी का डोज, और 3-4 फीट इधर भी आगे भी हो गई है। अब इधर तो बहुत ज़्यादा बता रहा है क्योंकि ये धार ही है। तो इसका कारण क्या है, ज़्यादातर YouTube वाले नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई बोर खनन करते हैं तो होता क्या है, पानी जहाँ पर निकलती है, जैसे यहाँ पर पानी निकली है 75 फीट में शुरू हो गई, उसके बाद 175 फीट तक पानी चला, जैसे जैसे खुदाई होता गया 175 फीट तक आया, फिर भी हमने 200 फीट तक का खुदाई करवाया है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये होती है, ज़मीन में पानी का लेवल पहले बहुत ऊपर था, मान के चले कि 5 फीट में भी था, 10 फीट में भी था, 15 फीट में, इस तरह से 75 फीट में भी है लेवल यहाँ का। उससे पहले जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, 75 फीट से ऊपर आएंगे, जैसे कि 75 से ऊपर जाएंगे तो 70 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, फिर 60-55, इस तरह से बढ़ती जाती है ऊपर, तो लेवल जो सूख गया है। लेकिन पानी जैसे हम वहाँ पर खुदाई किए, जैसे कि पाइप रहता है ना, अच्छा मोटा वाला पाइप देख लेना, वहाँ पर कोई टूट जाता है फूट जाता है तो पानी सर से ऊपर आ जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे खुदाई हुआ पानी 75 फीट का पानी सीधा आ गया आपका लगभग 35-40 फीट में आ गई ऊपर। तो वहाँ पर जितने भी गैप थे पहले का, उस सभी गैपों में पानी दौड़ना शुरू हो गई। हालांकि यहाँ पर मोटर अभी नहीं बैठाया गया है, लेकिन वो ऊपर आ गई पानी, तो जितने भी जैसे कि 65 फीट में गैप था उसमें भी पानी दौड़ना शुरू हो गया, 60 फीट में भी पानी दौड़ना शुरू हो गया, 55 में भी शुरू हो गई, इस तरह से अभी 35-40 फीट में पानी है। तो जितने भी सूखा गैप है सब में पानी चलना शुरू हो गया। कुछ लोग बोलते भी हैं कि मेरा वर्षों पुराना बोर था, सूखा था, उसमें पानी चल रहा है। तो उसका कारण यही है कि आसपास में कोई बोर खनन हो जाए और वहाँ पर नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाए ना, तो मान कर चलना कि उस एरिया में जितने भी बोर रहेंगे उस लाइन में सभी में बोर में पानी आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार साथियों को बोलता हूँ कि भाई आप लोग जब बोर करवाते हैं, केसिंग डाल दिए हैं, तो केसिंग को मत हेरो, रहने दो, 15-20 हज़ार रुपया लगता है तो उसको लगने दो, रहने दो। किसी दिन आपके एरिया में किसी भी किसान भाई का कोई बोर हो गया और वहाँ नीचे से पानी कोई आ रहा है, पानी खुदाई मतलब बोर खुदाई हुआ तो वहाँ पानी लग गई, तो मान के चलिए कि पानी वहीं पर नहीं रहे, जैसे कि 75 फीट में पानी लगती है तो 75 फीट में, जैसे कि यहाँ पर हम खुदाई किए 75 में लगी है तो 75 में ही उसका लेवल बताएगा, ऐसा नहीं है, वो लेवल ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे कि 35-40 फीट में आ गई है तो उस एरिया में जितना भी बोर है सब चालू हो जाएगा। तो आप लोग सब्र करिए, किसान भाई लोग थोड़ा सब्र करना सीखो, बोर को पाटो मत, न गंदा मत करो, उसमें पत्थर वत्थर कुछ भी मत डालो, ढक्कन पैक करके रख दो और 5-4 साल 5 साल बाद चेक करते रहो, या उस एरिया में कोई बोर हो गया तो तब भी खोल के देखो कि मेरे बोर में कहीं पानी तो लगा नहीं है। आज देखोगे हजारों बोर ऐसी कामयाब हो गए हैं, मेरे एरिया के कई बोर हो गए, जैसे कि यहाँ पर बोर खनन हुआ है इसी खेत में, साहब जी का 3-4 बोर और जो फैल हुआ है, आप देखना उस बोर में भी चालू हो जाएगा पानी। कारण यह है कि ऊपर लेवल ले लिया पानी, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर पानी ले लिया, पहले जब हम चेक किए तो पानी का लेवल यहाँ पर बताता था यहाँ, लेकिन आज क्या है पोजीशन, ये देखो ये पोजीशन यहाँ पर बता रही है, पोजीशन यहाँ पर बता रही है, मतलब वहाँ से लगभग 2.5-3 फीट की डिस्टेंस आ गई है, मतलब ये कि सूखा बोर में भी दौड़ हो गया। तो इतने एरिया का पानी फिट आपको बेनिफिट मिल गया। देखिए ये इधर भी दिखा देना भाई, ये देखो ये जैसे उंगली टच कर रहा हूँ, ये देखो इधर, ये देखो देखो अभी ये नहीं रखा, देखो ये
ये खेलना शुरू हो गया, तो पानी इधर से आई है, इधर जो धार बताया था वो इधर ही है। अब इधर क्या पोजीशन है ये देखो, ये यहाँ से आ गई, तो इसका बेनिफिट यही है एरिया में फैल गया पानी और पूरे इस एरिया में पानी शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसी गांव का एक बटरही खार है, एक उधर हमेशा धूल उड़ता था लेकिन आज उधर पानी ही पानी। कारण ये है कि बोर खुदाई एक ही जगह है हुआ है, खुदाई यहाँ पर हुआ है, तो बाकी सभी एरिया में पानी फैला। जैसे कि सीढ़ी रहता है, सीढ़ी के नीचे हिस्से में अगर पानी लग गया ना तो सीढ़ी के ऊपर हिस्से में भी आ जाती है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हुई है। पहले यहाँ पर कई जानकार लोग थे तो बोलते थे कि यहाँ पर पानी नहीं है, कम पानी है। जिस दिन खुदाई हुआ उस दिन भी यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर पानी कम है। मैंने कहा कि यहाँ पर फुल पानी है, बशर्ते नॉलेज में नहीं आ पा रही है, क्योंकि पहले से लोगों की मानसिकता बन गई थी कि ये एरिया ड्राई है, इसी लाइन में बोर खनन हुआ है तो वहाँ कोई पानी नहीं निकली। तो मैं बोला भैया एक एक इंच में फर्क पड़ जाता है, यहाँ पर खुदाई करो पानी निकलेगा ही। पानी निकल गई। अब रही बात इसी एरिया में जितना भी ये किसान है सबका उद्धार हो गया मानकर चलिए। अब जितने भी किसान भाई है अपना अपना बोर चेक करिए, पानी का लेवल बढ़ गया है, मोटर ज़्यादा चलेगी। जहाँ पर 2 HP का पानी चल रही थी वहाँ पर 3 HP का चलेगा, और जो बोर सूखा थी वहाँ पर बिल्कुल पानी निकलेगा। तो किसान भाई अपने अपने एरिया में इसी तरह से चेक करना, बोर को हमेशा के लिए डैमेज मत करना, न किसी को उखाड़ के मत फेंकना, उसको अच्छे से पैकिंग करके रखे रहना, फिर देखना आपको किसी न किसी दिन पानी मिलेगी। हाँ एक और कारण होता है, ये तो बोर खुदाई किए तब हो गया, कभी कभी जमीन में हलचल रहता है, अंदर में हलचल रहती है, भूकंप के झटके पड़ गए या फिर कोई प्लेट विवर्तनिक पद्धति से कोई प्लेट टूट जाता है तो ऊपर नीचे हो जाती है, खिसक जाती है अंदर की प्लेटें, तो भी पानी लग जाता है। यहाँ पर भी ऐसी हुआ, हमारे गाँव में पहले बहुत सूखा था, बहुत ज़्यादा सूखा था, एक ही दो एरिया में पानी निकलती थी, लेकिन अब यहाँ पानी ज़्यादा निकल रही। कारण यही है कि कभी एक बार भूकंप आई थी वहाँ से भी परिवर्तन आया, और दूसरा किसान लोग बोर कराते जा रहे हैं वहाँ से पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, जो सूखा एरिया था वहाँ भी पानी लग गई है। तो ये बातें भाई आप लोग ख्याल में रखना। यहाँ पर दोबारा हमारा आने का यही उद्देश्य था कि भाई हम बता सके कि पानी किस तरह से लगती है। सूखा बोर में के लोग बोलते हैं पानी आ गई, तो मेन कारण यही है। तो भाई अब हम लोग फिर अब अगली वीडियो में एक नई विषय लेकर आएंगे, तब तक आप लोग सॉरी भाई को इजाज़त दीजिए। हाँ किसी भी तरह से हेल्प करना है या बोर ड्रिलिंग करवाना है तो भाई मेरा मोबाइल नंबर लिख लेना 7000716599। हाँ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर हम मिलेंगे। जय जोहार।